जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल लाइफ फार्मिंग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करना। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस काम में, डक फार्मिंग में, तो आज हम आप लोगों को बताएँगे बत्तख पालन। बत्तख पालन के बारे में बताएँगे कि बत्तख पालन कैसे शुरू करें। पूरे इंडिया में आप लोग कर सकते हैं आसानी से, इसको कोई जगह नहीं चाहिए इसके लिए कि वही जगह हो जहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको आज बताएँगे इसमें बत्तख पालन में कि डक फार्मिंग के बिजनेस को इंडिया में कैसे स्टार्ट करें, इसके ब्रीड और इसमें प्रॉफिट, इसको क्या खिला सकते हैं, कैसे इसे घर बना सकते हैं, और बहुत सारी जानकारी है बत्तख से जुड़ी। तो आप लोग रहिए साथ में, वीडियो पूरा देखिए ताकि मैं बहुत सारी जानकारियां आप लोगों को दे सकूं वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं सर। आप लोग बत्तख के काम को कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, कम से कम पूंजी में स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा लागत की भी ज़रूरत नहीं होती। आप लोग कम पूंजी में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और ये बत्तख के काम में ये प्रॉफिट है कि 4.5 से 5 महीने में अंडे देने लग जाती है, और जो मांस वाली बत्तख आती है वाइट पिकिन, वो तो 60 दिन में ही मांस देने लायक हो जाती है। आप उसको बेच सकते हैं उसका पालन करके। तो और अगर आप ये कम पूंजी में स्टार्ट करना चाह रहे हैं ये काम को, तो समझ लीजिए कम पूंजी में काम करने के लिए सबसे अच्छा व्यवसाय है गाँव क्षेत्र में जो मछली पालन करते हैं उनके लिए, तो काफ़ी अच्छा काम है। आप लोग इसको कर सकते हैं, इस पालन को। इसमें आप कोई बहुत बड़ा प्लाट हो तो उसमें भी कर सकते हैं, अगर आपके पास छोटा भी है कोई बड़ी बात नहीं, उसमें भी आप कर सकते हैं। तालाब हो एक, और रहने के लिए इनका जो बनाना है आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा बना हो। आप उसका बाँस का बना के पन्नी उन्नी छा सकते हैं, और ये तो अपनी पूरी उम्र पानी में भी गुजार सकती हैं इसलिए। और इसमें जो अंडे देने वाली और मांस देने वाली ब्रीड होती हैं, जैसे अंडे में खॉकी कैम्बेल है, इंडियन रनर और गोल्डन 300, वो एग और मीट दोनों के लिए होती है, और वाइट पेकिंग जो मीट के लिए है। तो ब्रीड में अगर आप अंडे के लिए कर रहे हैं, आपके पास तालाब है अच्छा खासा, तो आप खॉकी कैम्बेल और इंडियन रनर पाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अंडे के लिए ब्रीड होती हैं, ये लोग अपना चारा सर्च करके भी खा सकते हैं, और आप लोग उसको फीडिंग भी कराइए, और खाने के लिए आप इसको कुछ भी दे सकते हैं, बरसीन है, अजोला घास है, वेस्टेज है जो रसोई में निकलता है, अगल बगल होटल वेस्टेज है, जूस वेस्टेज है, ये सारी चीज़ें देके हम इस काम को कर सकते हैं आसानी से। और जी हाँ, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, उसमें से एक ब्रीड ये खॉकी कैम्बेल है। इस ब्रीड को भी हम लोग अंडे के लिए इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी अच्छी नस्ल होती है अंडे में ये, और इंडियन रनर यही दोनों ब्रीड मानी जाती हैं सबसे अच्छी। तो इसको हम पालन कर सकते हैं, तालाब है रहने के लिए, जैसे जगह है आप लोगों के पास, जैसे उस हिसाब से हम आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और जिसके पास मछली पालन है उसके लिए तो बहुत अच्छा काम है मछली पालन में साथ में डक फार्मिंग करने का। और इस बतख को रहने के लिए, जिसे बड़ी बतख है अंडा दे रही, तो उसके लिए बस 2 स्क्वायर फीट एक बतख के लिए काफ़ी होता है, तो उसमें आराम से रह सकते हैं, उसमें अंडा देंगी और रहेंगी। और आप देख सकते हैं जैसा कि वो उधर साइड में नाली बनी हुई है, नाली में किस प्रकार से बत्तखें नहा रही हैं ये देखिए, यानी नाली बना रखा है, इसी में ये लोग रहती हैं और नहा धो करती हैं। तो देख सकते हैं आप लोग पूरा फार्म हमारा। और इनमें बात करा जाए फीड की, तो फीड का भी मैं आपको पूरा सिस्टम बताता हूँ कैसा होता है इसका फीडिंग का सिस्टम। जैसे आप लोग इसको पालन कर रहे हैं अपने यहाँ, तो आप ये तो पहली बात तालाब है अगर आपके पास, तो लोग खुद सर्च करके तो खाना खा लेती हैं, और अगर आप फीडिंग भी कराते हैं तो फीडिंग में आप कुछ भी खिला सकते हैं, जैसे होटल वेस्टेज है, बरसीन है, अजोला घास है, फीड है, ये सारी चीज़ें हमें खिला सकते हैं। तो खाने के लिए भी कोई बड़ा ज़रूरी नहीं है कि इसको खिलाया जाए, लेकिन अगर अच्छे प्रोडक्शन के लिए आपको तो इसको लेयर फीड ज़रूरी है खिलाना, ताकि हाई प्रोडक्शन हमारा निकले। और जैसे अंडे का भंडारण करना है, रखना है, जैसे आप लोग जानते हैं रेफ्रिजरेटर गर्मियों में तो इस्तेमाल कर लिया जाता है, और ऐसे जिसके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है, छोटे पैमाने पे काम कर रहा है, तो उसको बालू होता है जो बालू में रख सकता है, और नींबू का मिश्रण लगा के नींबू पानी ऐसे करके उसमें रखा जा सकता है अंडा खाने रख के लिए। और इस काम में बत्तख पालन में अपना मुनाफा को अधिकतम बढ़ाने के लिए आपको बत्तख की देखभाल अच्छी करनी होगी, वो तो
हर कोई कर सकता है। उनके लिए चारा मतलब जो खाने के लिए है उसका भी प्रबंध अच्छा से अच्छा हो ताकि प्रोडक्शन अच्छा रहे और उनको रहने का आवास ये सारी चीज़ें तो अच्छे से रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है कि रह सकें उसमें। जैसा कि आप मुर्गी पालन या मछली पालन करते हैं तो उनके उनके लिए तो बत्तख पालन को स्टार्ट करके उसको बड़े पैमाने पर ले जाना बहुत ही आसान बात है, वो लोग ले जा सकते हैं। और इसमें जो उच्च नस्ल वाली बत्तख जैसे इंडियन रनर और कॉकी कैम्बल और गोल्डन 300 ये सारी ब्रीड के, कॉकी कैम्बल 320 300 से 320 अंडे तक और इंडियन रनर जो 280 और गोल्डन 300 अंडे तक लेंग करती है। और इसमें जो रहता है इनके अंडे का वज़न लगभग 70 ग्राम क्योंकि मुर्गियों के अंडे से बड़ा होता है और मुर्गियों के अंडे से ज़्यादा भी बिकता है, महंगा रेट भी उसी हिसाब से इसका ज़्यादा मिलता है। और आप लोग जानते होंगे कि बतख के अंडे में प्रोटीन बहुत अधिक होता है, जैसे कि जिन जगह पे तालाब है बहुत और तो जैसे जहाँ बहुत ज़्यादा बरसात होती है उन जगहों पे तालाब है तो उन जगहों पर बतख पालन करना बहुत अच्छा है। और ये बतख पानी में निकलने वाले घास कीड़े मकोड़े घोंघे मछली इत्यादि का सेवन करके अपने खाने में इस्तेमाल कर लेती हैं और खा जाती हैं, जिससे हमारे फीडिंग की बचत होती है। और ये थी जानकारी बत्तख की, आप लोग देखें ये कॉकी कैम्बल का पैरेंट ब्रीड। और आप और चीज़ दिखाते हैं हमारी अपने फार्म को, जी हाँ दोस्तों, और ये देखिए हमारे फार्म का एरिया है, बाहर से आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से फार्म हमारा, एक फार्म ये बना हुआ है और एक फार्म पीछे आपको दिख रहा है, देख सकते हैं। तो हमारे पास दो फार्म हैं जो कि एक 185 फीट लंबा है और दूसरा 80 फीट, और इसकी चौड़ाई हम लोगों ने 30 फीट दी हुई है। आप लोग भी 30 फीट के मानक से ही बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है और आपकी जगह जैसे हो आप उस तरीके से बना सकते हैं। और आपको हम दिखाते हैं, देखिए हमने बरसीन बोई हुई है, बरसीन आप लोग जानते हैं कि नहीं, जो गाय वाय को भैंस है तो खिलाई जाती है, तो ये हमने बो रखी है तो ये बत्तख को खिलाई जाती है ठंडी भर। ये देखिए इतने में बोया हुआ है बरसीन और इसके बगल में एक दिन बाद बोया गया है, देखिए ये भी बरसीन है, देख सकते हैं आप लोग फार्म का पूरा हमारा। और फिर आइए आपको हम दिखाते हैं अपने बड़े वाले फार्म में हमारे पास, उसमें भी बहुत सारी ब्रीड्स हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं हमारे बड़े वाले फार्म का अंदर का है स्ट्रक्चर। और जो ये आप देसी मुर्गा देख रहे हैं, आपने इससे पहले वीडियो हमारे देखी होगी देसी मुर्गे की फार्मिंग के लिए, और ये एक ब्रूडिंग इधर बनी हुई है और अंदर इससे पहले हमारे पास कॉकी कैम्बल और इंडियन रनर के चूजे थे जो कि बिक चुके हैं। अभी तो कॉकी कैम्बल का हैच है हमारे पास, कल तक बच्चा फार्म पर आ जाएगा तो उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, जिसको लेना है वो ले सकता है और देसी मुर्गा इसको भी लिया जा सकता है, आप लोग कर सकते हैं इस काम को। देसी मुर्गे के बारे में हमने बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी हैं, आप लोग बेझिझक इसमें काम कर सकते हैं और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप लोग पूछिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। ये देखिए देख सकते हैं आप तरक्की है मुर्गी, ये इसमें हमारे पास कड़कनाथ है, देसी मुर्गा है, और जो देसी मुर्गी है वो है सिल्की है, टर्की है, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। और आज तो ऐसा मौसम है, आज ऐसा दिन है कि समझ लीजिए सारा बल्ला माल लोड हो चुका है, तो इस टाइम डकलिंग का कोई भी माल नहीं है, ना तो इंडियन रनर, ना तो गोल्डन, ना तो कॉकी कैम्बल। कल तक इंशाल्लाह मशीन महेश हो रहा निकल आएगा, बच्चे कुछ निकले हुए हैं 10-5 बच्चे वो लगे हुए हैं ब्रूडिंग में, उनको भी दिखाते हैं हम आपको। आप लोग देख सकते हैं जाली के ऊपर किस तरीके से मुर्गे बैठे हुए हैं ये लोग। और दोस्तों अगर आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी हो हमारे द्वारा दी गई, आप हमारे फार्म पर आना चाहते हैं तो आएँ, आकर देख सकते हैं, रह के हमारे यहाँ जो भी सीखना चाहते हैं फार्मिंग से जुड़े आप लोग रह के सीख सकते हैं, जान सकते हैं, बच्चा लेना है तो हमारे पास ले सकते हैं, हमारे पास
सभी ब्रीड्स के डकलिंग और ये मुर्गी के बच्चे मिलते हैं हमारे पास। इंडियन रनर और गोल्डन खाकी का बड़ा माल भी रहता है, आप लोग ले सकते हैं उसको। फ़ोन करें या आ जाएं हमारे पास, इसकी सप्लाई हम लोग ऑल ओवर इंडिया कर सकते हैं। इंडियन रनर का बच्चा भी ऑल ओवर इंडिया हो सकता है आजकल, तो इंडियन रनर के बच्चे सस्ते हैं, तो आप लोग पालन कर सकते हैं बहुत आसानी से, कम पूंजी में स्टार्ट करें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लोग तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। और ये देख सकते हैं आप लोग, तो ठीक है दोस्तों, फिर आपको एक बार बाहर का दिखा देते हैं पोर्शन, फिर उसके बाद ये देखिए दोस्तों, हमने साइड साइड में पन्नी बांधी हुई फार्म की, क्योंकि ठंडी आ चुकी है तो बच्चे रहते हैं इसमें, तो ब्रूडिंग करनी पड़ती है। और आइए आप लोगों को हम मशीन में दिखाते हैं, कुछ खाई कैंपल के बच्चे स्टार्ट निकलना स्टार्ट हो गए हैं, दिखाते हैं, आइए ले चलते हैं आप लोगों को। ये देखिए वो हमारा दूसरा फार्म है, और ये इसमें हैचरी लगी हुई है हमारी, आइए आपको ले चलते हैं वहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए मशीन, इसमें हैच चल रहा है, आइए हम इसको खोल के आपको दिखाते हैं। जी हाँ, ये देखिए बच्चे स्टार्ट हो गए निकलने हैचिंग से, इतने बच्चे भी निकले हुए हैं काफ़ी कैंपबेल के। ये देख सकते हैं मेरा फार्म अपडेट है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, ताकि हमारा लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।